मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के बाद हम कीर्ति मंदिर बरसाने का एक खास मंदिर है के लिए निकल पड़े, जो देवी राधा और उनकी मां को समर्पित है। वैसे ब्रिज में आपको राधा रानी के कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन रंगीली महल के पास कीर्ति मंदिर लोगों को कई कारणों से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर का नाम कीर्ति देवी राधा की माता के नाम पर है। कीर्ति मंदिर दुनिया का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो राधा रानी माँ की गोद में है। मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के दोनों तरफ अष्ट सखियाँ लाडली जी की निहारती हुई नजर आएंगे। कीर्ति मंदिर की आधारशिला जगत गुरु कृपालु महाराज ने वर्ष 2006 में रखी थी, परंतु उनके देह त्याग के बाद उनकी तीनों पुत्रियों ने इस मंदिर को पूरा कराया। यह मंदिर करीब 13,200 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर के गुंबद में 25 स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण 12 साल में 500 मजदूरों द्वारा किया गया। मंदिर की छत पर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। जानकारों के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में बाहर लगे खंभों की कीमती पत्थर के को चीन में तराशा गया है। ग्रेनाइट के ये खंभे लाइट पड़ते ही हीरे की तरह चमकते हैं। 111 फुट ऊंचे इस मंदिर में करीब 11,000 टन पत्थर लगाए गए हैं। फर्श में ताजमहल की भांति इनलेवे वर्क से विभिन्न आकृतियां उकेरी गई है, जो नज़र पड़ते ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्रवेश द्वार को कल्प वृक्ष आकृति के समान बनाया गया है। प्रेम मंदिर की तरह आकर्षक झांकियां भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मंदिर के अंदर कृपालु महाराज द्वारा रचित पदावली के को दीवारों पर लगे मार्बल में इनके वर्क से उकेरा गया है। कीर्ति मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी सालों तक चलती रही। इस मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा समय खाने का काम था पत्थरों के तराशना। इसके लिए उड़ीसा और राजस्थान के 500 से अधिक कुशल कारीगरों ने दिन रात एक कर दी। रात में विद्युत के रोशनी में पत्थरों को तराशने का काम निरंतर चलता रहा। स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले श्रद्धालु उनके निर्माण कार्य के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कीर्ति मंदिर नागर शैली से निर्मित है। इसका भव्य स्वरूप श्रद्धालुओं को लुभाती है। रंगीली महल परिसर में बना यह मंदिर बरसाना के सौंदर्य में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान वृंदावन के प्रेम मंदिर की तरह इसकी नक्काशी झांकियां और लाइटिंग श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर खींचती हैं। मंदिर के प्रवेश में मेन गेट के अलावा दो और गेट हैं। इस मंदिर के निर्माण में 12 साल से भी अधिक समय लगा। 8 मई 2006 को कृपालु महाराज ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। नवंबर 2013 में कृपालु महाराज का स्वर्गवास हो गया था। उनके अनुयायियों ने और उनके तीनों पुत्रियों ने इस सपन को पूरा किया। कीर्ति मंदिर का अलौकिक सौंदर्य और भव्य वस्तु उसकी तस्दीक करते हैं। अक्टूबर 2022 में कृपालु महाराज का जन्म संयुक्त प्रांत में इलाहाबाद के पास मनगढ़ गांव में हुआ था। मनगढ़ में उनके ननिहाल था। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। उनका नाम राम कृपालु त्रिपाठी था। वे बचपन से ही विलक्षण थे और प्रखर आध्यात्मिक चेतना इनके व्याप्त थी। तो इस प्रकार आज हमने कीर्ति मंदिर के बारे में जाना और जगत गुरु कृपालु महाराज के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।